फगवाड़ा के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सोम्पला विशेष तौर पर उपस्थित हुए। विजय सोम्पला ने उपस्थित हुए सभी कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में पार्टी के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंत में विजय सोम्पला द्वारा सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फगवाड़ा पंजाब से हमारे संवाददाता रमन बहल की खास रिपोर्ट। चुनाव पंजाब और पंजाब फगवाड़ा अहम भूमिका निभाएगी। इस सांपला जी देखने को मिलेगी बहुत सारे पुराने बुजुर्ग लीडर जो बीजेपी के काफ़ी अज इतने पहुंचे। अज स्थापना दिवस मनाने का मतलब यही है कि अज 42-43 साल भारतीय जनता पार्टी हो गए और जनसंघ का जोड़ा मूल संगठन जो सा जनसंघ से उन्होंने तो जिन्होंने पौधा लगया सी अज एड्डी वड्डा पेड़ बन गया। अज असी उहदी छां थले MLA मंत्री MP सब कुछ बनते हैं चेयरमैन बनते हैं। ये अगर कुछ है तो इन्हां बजुर्गों का सदका ही असी इस मुकाम ते पहुंचे हैं और अज उन्हां नूं इत्थे सन्मानित करना साडा एक कर्तव्य सी कि इन्हां दे करके अज सदके ही अज असी इस मुकाम ते पहुंचे। पार्टी का 6 अप्रैल 1980 नूं स्थापना हुई सी और अज उहदे 42 साल पूरे होए आ और 43वें साल दे विच भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिहड़ा पैर रखिया। सो अज इस शुभ अवसर के उत्ते अज कार्यकर्ताओं के नाल भारतीय जनता पार्टी नूं होर अगे मजबूत करन दे लई एक बैठक की गई है और अज सारे ने असी स्थापना दिवस जिहड़ा हम आ के मनाया और आस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के पहला नालों कई गुणा अपनी तरक्की करते हुए कार्यकर्ता जोश के नाल आने वाली सारिया जिथे चुनाव दे विच अपना अहम भूमिका निभाएगी उत्थे जिहड़ा देश की उन्नति दे विच और देश दे विच अराजकता के खिलाफ भी अपना काम करेगी और राष्ट्रवाद का जिहड़ा साडा मुद्दा है उसनों लैके असी अगे वधांगे। ऐसे सानू उम्मीद है कि जिदा मानयोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के पूरे देश के बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी ने प्लीज जिन्ने भी साडे कार्यकर्ता आए हैं मैं उन्होंने बेनती करता हाँ कि लंगर की व्यवस्था की गई है और लंगर छा के जाते खेचल कर। जय श्री राम। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜਜੋ ਜੀ ਖੜਜੋ 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 ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਓ ਖੜਜੋ चलिए जी।